So here, Zuhaib and Laksh both entered to our motorcycle. Or, ab Zuhaib pass de. Right. Abhi Zuhaib ne pass kar diya. Inka ride khatam aur mera ride chalu. Hi guys, good morning. Welcome back to Adam Motorcycle. और अभी है हम प्रसुंदा के घर पे. This place is called Chinatown या Tangra. तो यहाँ से एक गली हम फांदेंगे तो ट्राम सर्विस सेंटर है. I have already reached Calcutta. प्रसुंदा एंड मी गो बैक 2013. हाँ, बेसिकली माया अभी यहाँ पे है. मैं ऑलरेडी दूसरा दिन है मैं इधर आके. थिंग वॉज, जब मैं इधर आया और दूसरे दिन मैं गाड़ी सर्विस करने के लिए लेके जाना चाहता था, तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि सिक्किम में. हाँ, तो मेरा जर्नी यहाँ से सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी से सिक्किम है. सिक्किम में थोड़ा इश्यूज हो रहा था. आज पता चला है कि अभी शिलोंग को जाने के टाइम पे कुछ कर्फ्यू लगा हुआ है, तो पता नहीं क्या होने वाला है मेरा इंडिया राइड का. तो अभी के लिए जल्दी जल्दी नीचे जाते हैं, माया को मिलते हैं, माया को लेकर सर्विस सेंटर निकलते हैं. तो ये है प्रसुंदा की स्ट्रीट स्क्रैम्बलर और इधर खड़ी है माया. लास्ट टाइम जब मैं छोड़ के गया था, अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो अभी चालू करते हैं, देखते हैं हालत क्या है माया की. अभी देखते हैं माया सेल्फ लेती है नहीं. सिंगल सेल्फ स्टार्ट. अभी माया की चाबी मैंने दे दी है सिर्फ ऊपर लेके आने के लिए, तो एक बार माया ऊपर आ जाए तो काम चालू करते हैं. अभी लगा दिया माया को यहाँ पे बे पे. तो पहला चीज जो करते हैं, आपको आज मेरे बक्सों का सीक्रेट दिखाता हूँ. इस बक्सों में है क्या, आज ये खुलेंगे सबके सामने. ये पिटारे, एक बक्सा जो आधा खाली है और ये दो बक्सा. इस जादुई पिटारे में क्या क्या चीज है दिखाता हूँ. पहले ये मेरा टॉप टूल किट देख सकते हो. इसमें पूरे के पूरे सॉकेट्स, ट्रैचेट्स और बिट्स हैं. 4 से लेके 14 तक मेरा बिट है. वन थिंग विच आई कैरी, सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच यू गाइस वुड हैव सीन भुवनेश्वर टू कलकत्ता के ब्लॉग में, पंचर वाले ब्लॉग में आपने देख लिया होगा, विच इज माई मिकिता पावर टूल. इतने दिन से मैंने यूज भी नहीं किया है, पर गोवा में चार्ज किया था और अभी भी फुल चार्ज है. तो मेरा पावर टूल, पर टूल के साथ हैं मेरे पास ये थोड़े स्पैनर्स हैं जो चेन टाइट और चेन लूज करने के लिए काम आते हैं. 12, 13 और 14, 15 ये स्पैनर्स हैं. और यहाँ पे है मेरा स्टॉप एंड गो टायर इन्फ्लेटर. मेरे पास है इसके अडैप्टर्स. मेरे को ये जो अडैप्टर है, दिस विल हेल्प मी टू यूज माई टॉप टूल किट. और दूसरा चीज यहाँ पे है, दिस इज अगेन फॉर माई चेन एडजस्टमेंट और अलाइनमेंट चेक करने के लिए, मेजरिंग करने के लिए ये मेरा टूल है. देन आई हैव गॉट माई मैगनेट जो स्पार्क प्लग निकालने के लिए ट्राम टाइगर में यूज होता है, और कभी भी कहीं पे नट बोल्ट गिर जाते हैं तो वो उठाने के लिए भी काम आ जाता है. उसके बाद इसी में आई हैव गॉट सम नाइफ्स एंड सम एक्स्ट्रा स्पेयर्स जो मेरा हाइड्रेशन पैक और इसके लिए जो डेलिकेट होते हैं वो इस बैग में आ जाते हैं. देन ये अपना 17 नंबर का आलम की और 27 का बिट जो पीछे की व्हील और आगे की व्हील चक्का खोलने के लिए काम आती है. ये वाला बैग, जिस वाले बैग में है अपना वापस स्पेशल टूल और सम स्पेयर्स, चाहे हाइड्रेशन बैग के लिए ब्लैडर हो या छोटा सा वाइज हो. जो कभी ग्रिप अकेला चलाता हूँ तो कोई भी पार्ट को ग्रिप करके फाइलिंग करना है या कुछ करना है तो ये कहीं पे भी मैं फिट करके एडजस्ट कर सकता हूँ. देन आई हैव गॉट दिस, पूरा दिखाते हुए बैठूंगा तो मैं गाड़ी सर्विस नहीं कर पाऊंगा. ये मेरा प्लास्टिक मैलेट के एल्यूमिनियम ब्रॉश और रबर मैलेट के लिए है. और ये जो सुए हैं जो एंगल ये हैं जो क्लच प्लेट खोलने या पंचर होने से वो कीलें निकालने के लिए काम आती हैं. देन आई हैव गॉट माई एक्स्ट्रा 3M टेप, ब्रेक पैड्स और ये है मेरा पोर्टेबल मल्टीमीटर
जो इलेक्ट्रिकल जो भी एम्प्स चेक करने के लिए, बैटरी चार्जिंग चेक करने के लिए, या वायरिंग कहीं पे कट हुई है वो चेक करने के लिए है। सिरंज और ट्यूब, ब्रेक फ्लूइड निकालने डालने या कोई भी चीज़ लिक्विड को निकालने डालने के लिए सिचुएशंस आते हैं। और ये है मेरा मंकी प्लायर। तो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ लिटरली, ये यहाँ से लेके ये दिख रहा है ना, मैं कोई भी चीज़ ग्रिप कर सकते हैं आप। इफ़ आई हैव टू यूज़ बोथ द हैंड्स, वन हैंड टू ग्रिप एंड वन हैंड आई हैव अ स्पैनर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद मेरे पास है 30 लीटर की टंकी होने के बावजूद आई हैव गॉट अ गैस बैग फ्रॉम जायंट लूप विच इज 7.6 लीटर्स। देन यहाँ पे वो जो मेरा पावर टूल है, ये पावर टूल है, उसका चार्जिंग ये है, बहुत लाइट वेट है बट स्पेस खाता है, तो मेरे पास तो स्पेस ही स्पेस है। देन एक्स्ट्रा इंजन ऑयल है और एक्स्ट्रा रेडिएटर कूलेंट। देन ये मैंने बिकॉज खाली जगह होती है तो मैं भरने के लिए एक दो बैग और एक कैप मेरा रखा हुआ है। देन आई हैव बॉट एक्स्ट्रा ट्यूब जो लास्ट टाइम नेक उड़ गया था, रिपेयर करवा दिया और लगा रखा हुआ है। देन कम्स दिस स्पेशल टूल विच इज बहुत इंटरेस्टिंग स्पेशल टूल है, ये है सोल्डरिंग और कटिंग और हीटिंग के लिए, दिख रहा है विदाउट गर्म हो रहा है, विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी, दिस थिंग वर्क्स विद, वो सिगरेट लाइटर के लिए गैस यूज करते हैं ना, उसके लिए सोल्डरिंग या मेरे को कटिंग करना है या हीट ब्लोइंग करना है या हीट सिंक करना है तो ये मेरा काम आ जाता है। देन कम्स वही, देन कम्स अपना मैलेट जिसमें अभी रबर और स्टील रखाया हूँ हार्ड हिट और सॉफ्ट हिट के लिए। ये आ गया मेरा टायर लिवर क्लीनर। उसके बाद है मेरे पास मैक्सिमा का चेन क्लीनर, मैक्सिमा का वैक्स और ये ऑफ रोड के लिए चेन लूप। और ये आ गया और एक, यानी ये निकल गया तो मेरा वेट ही निकल गया बस, खाली हो गए बक्से। अभी आप देखो तो ये जो है ये मेरा स्पेशल टूल किट है जो आज इस्तेमाल होगा, जिसमें मेरा इस्तेमाल होगा, ये मेरा ऑयल फिल्टर निकालने के लिए टूल है, ये मेरा चेक नट टाइट करने के लिए, ये मेरा क्लच बेल निकालने के लिए सॉकेट। देन अगर मेरा रास्ते में फ्रंट फोक ऑयल सील उड़ जाता है तो फ्रंट फोक ऑयल सील डालने के लिए ये मैंने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखा है तो आपको पता होगा, दिस इज अ स्पेशल टूल विच आई मेड इट एट आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल। देन गॉट एक्स्ट्रा लीवर्स, एक एक्सटेंडर स्क्रू ड्राइवर है और एक एक्सटेंडर है। दीज आर द थिंग्स व्हाट आई हैव एट प्रेजेंट विद मी, व्हाट आई कैरी, ये मेरे को चाहिए अभी, ये वापस रख देता हूँ इसमें। अभी सिर्फ बचा एक दो चीजें और, इसमें अपना मैक्सिमा का बायो वॉश जो फीडिंग के लिए यूज कर लेता हूँ। देन कम्स दिस बैग, इस बैग में जो है, दिस इज व्हाई आई लाइक दिस स्पाइनल किट, मेरा इस बैग में आया मेरा डिजिटल टॉक रिंच और थोड़े से जिप टाइज, ये अभी थोड़े से ऐसे ही वेस्ट कपड़े हैं, ये भी खाली, ये भी खाली। अभी मेरे को ये इमीडिएटली आपको एक्सप्लेन करने के चक्कर में ना ये पूरा मेस मेरे को क्लीन करना पड़ेगा, क्लीन करने के बाद चालू करेंगे माया की सर्विस। यहाँ पे हो गया टूल सेट और ये जगह भी हो गई खाली, बॉक्सेस भी इधर रख दिया। अभी माया को चालू करूंगा, आइडल पे छोड़ दूंगा जब तक 3 बार रेडिएटर फैन ऑन हो के ऑफ ना हो, क्योंकि ऑयल गर्म होगा तो पतला हो जाएगा और ड्रेन करेंगे तो मैक्सिमम और जल्दी ऑयल ड्रेन हो जाएगा। तो इसके लिए अभी माया को चालू करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इंतजार, सर्विस भी करो तो मजे लेके करो यार। तो माया हो गई स्टार्ट और यहाँ पे मेरे हेल्प के लिए है तबरेज भाई, हु टेक केयर ऑफ द, हु हेड्स द सर्विसिंग एंड ट्रैप कोलकाता। तो जब भी आओ कोई भी इशू हो तो तबरेज भाई को कॉन्टेक्ट कर लेना। ये हो गया इंजन ऑयल एकदम गरम, अभी
है इसे लूज करना है आराम आराम से। तो अभी हो गया ऑयल डाउन, अभी निकालते हैं टैंक, एयर फिल्टर क्लीन कर लेते हैं। यही एक चीज जो लेटेस्ट गाड़ी में एकदम मस्त बनाया हुआ है, इन द न्यू 900 आई नीड नॉट हैव टू रिमूव द टैंक। यहीं पे एयर फिल्टर है सीट के नीचे, खोलो 5 स्क्रू और इधर ही ये कर लो। दिस इज द वन थिंग विच आई डिडंट लाइक अबाउट द ओल्ड ट्रैम टाइगर, बट इट्स ओके, दिस विल वन। निकालने के बाद एयर फिल्टर, इतना सब कुछ करके हमको एयर फिल्टर पहुंचना पड़ता है। और अभी वापस मुझे 2-8 को निकालना है। टक्के भी देख लो अगर इसमें धूल होते लिटरली ये देख लो इतनी डस्ट है, मींस लिटरली बिकॉज ऑफ द प्री फिल्टर माय एयर फिल्टर इज ऑलवेज क्लीन। तो ये प्री फिल्टर के बारे में तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अभी इससे ज़्यादा बताना अच्छा भी नहीं लगता यार, वो प्रमोशन लगता है, फ्री में नहीं पैसा देके खरीदा हूँ। पर अच्छी चीज को अच्छी बोलने में क्या बता दिया। ये हालत है मेरी प्री फिल्टर का, ये प्री फिल्टर की कुर्बानी की वजह से मेरा एयर फिल्टर साफ रहता है। जब एयर फिल्टर साफ रहा, प्री फिल्टर गंदा रहा, तो थ्रॉटल बॉडी की हालत भी एकदम साफ है। तो अभी ये और ये मैं इधर तब्रेज भाई को देता हूँ, क्लीन करवा के दे देंगे, इतना तो थोड़ा प्रिविलेज मिलता है यार। तो सी यू गाइस इन अ बिट। तो ये हो गया एयर फिल्टर प्री फिल्टर दोनों क्लीन थैंक्स टू कलकत्ता ट्रैम। तो अभी बचा है ये वाली चीज़ क्लीन करने को, आराम से बैठ के क्लीन करते हैं और टैंक को क्लीन करना है। टैंक को क्लीन करने के बाद वापस सब कुछ डालना है, ऑयल डालना है, थ्रॉटल बॉडी अलाइनमेंट चेक करना है और निकलना है। तो अभी थोड़ा सा मेरे को काम कर लेने दो, ज़्यादा बात नहीं कर सकता, आई नो इट्स अ स्मॉल ब्लॉग, पर क्या करें, काम ख़त्म करना है और जल्दी निकलना है। और बच गया है अभी 5 बजे, ये लोग भी 6-6:30 बजे निकलने वाले हैं। राइट भाई, कितने बजे ऑफ है? 7 बजे 7 बजे निकलेंगे। तो ये सब तो थोड़ा सा क्लीन करवा लेंगे, और क्लीनिंग के लिए एक मिनट से रख दे, हम यूज़ करेंगे अपना एज यूजल मैक्सिमा बायो वॉश। इसमें सिर्फ मेरे को ऐसे मारना है, अंदर से हो गया सब कुछ क्लीन, पर अभी थ्रॉटल बॉडी और
अभी कनेक्ट कर रहे हैं डायग्नोस्टिक टूल को, जहाँ पे हम थ्रॉटल बॉडी और इसका जनरेट इश्यू में देखेंगे, अपडेट्स भी करेंगे और इसका थ्रॉटल बॉडी अलाइनमेंट भी चेक कर लेंगे। चेक करके उसके बाद क्या, वापस एयर फिल्टर बैठाओ, सब कुछ करो और निकलते बनो। Servicing is done, everything is done. अभी बच गया है 9 बजे and माया को सिर्फ wash करना बाकी है. Everything is set, everything is checked out. Thank you Tramp Kolkata and Tabrez bhai to help me out with all these things. And Prasun bhai, आपका भी काम हो गया? मेरा भी हो गया. तो Prasun bhai का भी काम हो गया. आज जुमेरात है तो घर चलते हैं आराम से. ये कहते हैं जुम्मा का दिन मैं राइड नहीं करता, राइड यानी ट्रैवल नहीं करता, तो नमाज पढ़ते हैं. फ्रेश माया, फ्रेश जुनैद, नमाज पढ़ के मैं माया की डिलीवरी लूंगा. माया की डिलीवरी लेके मिलते हैं. अंटिल द नेक्स्ट टाइम, राइड सेफ, बी सेफ, लर्न अबाउट योर मोटरसाइकिल एंड हैव ग्रेट फन. ओके, दिस इज द नेक्स्ट डे. नमाज भी हो गया, जुमा भी हो गया, माया भी सर्विस हो गई, पर माया को अभी भी मैं सर्विस सेंटर से नहीं लेके आया. अभी मैं हूँ थ्रॉटल शॉटल पे. ऑब्वियसली जब गुड़गांव में रहता हूँ तो थ्रॉटल शॉटल, और जब मैं कलकत्ता आया हूँ थ्रॉटल शॉटल नहीं आया तो क्या आया. और यहाँ पे एक्चुअली ये मीटअप प्लान नहीं था, ये सब कुछ हुआ एक बंदे के वजह से. देयर इज अ ओल्ड फ्रेंड ऑफ फ्रेंड क्या भाई है अभिजीत दा. तो आज ये जो बंदा है ना, अगर आपको, अगर इंस्टाग्राम में आपने देखा है फोटोज, ये मीटअप हमने अनाउंस, ये मीटअप था ही नहीं. तो एक्चुअली यहाँ पे अभिजीत दा आए थे. अभिजीत दा बोला कि आ जाओ, हम आ गए. तो ये अपनी हैप्पी फैमिली है, हैप्पी राइडर्स. दे रन अ क्लब कॉल्ड हैप्पी राइडर्स एंड वी हैव गॉट वन प्राइवेट क्लब विच इज सोलो राइडर. वी हैव अ सोलो राइडर ओवर हियर. एंड अभी आप सबको पता है कि क्या सिचुएशन है ना, हम आगे जा सकते हैं सिक्किम, ना हम नॉर्थ ईस्ट में घुस सकते हैं, ना हम भूटान जा सकते हैं. ले का तो सीजन भी तो चालू नहीं हुआ, तो अभी प्लानिंग चालू है. नेक्स्ट ब्लॉग में देख लो कि क्या होने वाला है. तो आज के लिए बस इतना ही. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड फ्रॉम हैप्पी राइडर्स. Bye. Bye. See you. Good night.